जी आज गणपति जी पंडाल में आ रहे हैं और आज के दिन आप लोग ने अपनी नई एल्बम जो है गणपति जी के लिए जो रिकॉर्ड किया, तो इस एल्बम के बारे में बताइए। ये जनरली जो है एक श्री गणेश अपना चालीसा है और आप सभी जानते हैं कि इसका जो चलन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर जगह होता है और ये कि प्योर हिंदी और संस्कृत लाहौल तो ये चालीसा इसलिए क्योंकि इसमें एक हिंदी और संस्कृत का पूरा हमने प्रयोग किया हुआ है और गणेश जी की चालीसा है और मुझे इसलिए ये पहली हमारी रागा म्यूजिक जो मेरा म्यूजिक लेबल है उसका एक शुरुआत है। तो बोलते हैं ना हर चीज़ की शुरुआत गणेश जी से होती है और शायद ये ही है अचानक जो भी बोलते हैं ना इतना जल्दी सब हमने किया और हम सो थैंकफुल टू शंकरन सिद्धार्थ कि विद इन जस्ट वन आवर नोटिस एंड हमने ये ट्रैक पूरा कंप्लीट किया। शंकर जी आपने ये जो गाया है चालीसा मतलब बोल तो वही होंगे ट्रेडिशनल लेकिन इसमें आज कुछ नया क्या होगा? नया जैसे आदेश जी हमेशा कहते हैं उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो नया है, उसका धुन है वो नहीं है और रागा राग बेस्ड है और इनका म्यूजिक लेबल भी लॉन्च हो रहा है रागा म्यूजिक, तो ये हमसे दुनिया राग में बेस्ड है और इसके लिए मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सिद्धार्थ ने मेरे साथ गाया है और आदेश जी ने भी मेरे साथ गाया, तो हम तीनों मिलके ये गाना गाए हैं और इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल मेलोडी बट इसका ऑर्केस्ट्रेशन इज वेरी वेरी मॉडर्न। हाँ एक्चुअली मैं खुद ही बहुत ही बड़ा भक्त हूँ गणपति का एंड हमारे भी घर पे 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं एंड बहुत एक्साइटमेंट है एंड वेरी लकी एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद आदेश जी एंड माय डैड। आई थिंक द सेकंड सॉन्ग फॉर गणपति जी जो हमने ऑलमोस्ट ये एक महीने में लॉन्च किया है एंड दिस इज़ अ चालीसा जो नॉर्मली मराठी में होता है संस्कृत में होता है बट इन्होंने क्या स्पेशल किया है हिंदी भाषा यूज़ करके उसको विद अ ब्यूटीफुल ब्लेंड विद संस्कृत ही इज डन दिस एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सिंग दिस एंड आई लव दिस सॉन्ग पर्सनली आल्सो। इस एल्बम के बाद अभी इसके बाद क्या है बताओ? नवरात्रि है। नवरात्रि की ऑलरेडी हमारी जो है 4 दिन के बाद मास्टरिंग चालू हो जाएगी तो ये फेस्टिवल क्योंकि मेरा जो मेन फोर्टे है जो हमारी कंपनी ने हमने सोचा है कि हम स्पिरिचुअल में ज़्यादा हम करेंगे, हमको कोई फिल्म में हमको कोई म्यूजिक से रिलीज नहीं करना, ये हम सिर्फ प्राइवेट एल्बम्स और स्पिरिचुअल इसमें काम करेंगे। गणपति बप्पा मोरया। Hello everyone and thank you so much for being here. It's nice to see all of you here and the biggest thank you to you for all your wonderful words first and foremost.